7 Summer Smoothies for Weight Loss. Hello everyone, you're watching Food, Fitness and Fun and this is Dietitian Manju Malik. Easy to make, simple recipes हैं ये और ready to go अगर आप कहीं late हो रहे हैं जाने के लिए, ये आपके लिए perfect breakfast होंगे. Very creamy, delicious. Summers में इसे enjoy कीजिए क्योंकि सारे ingredients जो हैं वो summers के हैं. सबसे पहले my favorite pumpkin and carrot smoothie यानी कद्दू से बनाएंगे हम. कैसे, चलिए देखते हैं. इसके लिए हमने लिए हैं आधा कप पम्पकिन और आधा कप स्टीम किया हुआ स्क्वैश. आप चाहें तो दोनों चीज़ें भी ले सकते हैं, चाहे एक चीज़ें एक कप ले सकते हैं. आप चाहें तो पम्पकिन और मैंगो भी ले सकते हैं. मैंगो इन मॉडरेशन इज वेरी गुड, स्पेशली इफ यू आर ट्राइंग फॉर वेट लॉस. स्टीम की हुई कैरेट्स ली हैं मैंने, 5 आलमंड ली हैं सोक किए हुए, थोड़ी सी दालचीनी है चुटकी भर, आधा टेबल स्पून चिया सीड्स हैं, 1.5 टेबल स्पून क्विक ओट्स हैं. आप चाहें तो इसे रोस्ट कर सकते हैं, एज इट इज यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं. और रेगुलर मिल्क लिया है मैंने, आप चाहें तो प्लांट मिल्क इसमें ऐड कर सकते हैं. इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में हम डाल देंगे, ऐड कर देंगे. मैंने थोड़ा सा हनी ऐड किया है क्योंकि अगर आपको स्वीटनर चाहिए, ज़्यादा स्वीट नहीं करनी चाहिए स्मूदी, बिकॉज स्मूदी जो है वो ब्रेकफास्ट के लिए है, वो कोई आफ्टर फूड डेजर्ट नहीं है या फिर कोई ऐसा नहीं है चीज़ जो आप एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ले रहे हैं. सो मेक श्योर कि यू डोंट स्वीटन योर स्मूदी टू मच बिकॉज दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. ब्लेंड कर दिया है, हमारी क्रीमी स्मूदी तैयार हो गई है. इसे ब्रेकफास्ट में इंजॉय कीजिए. और बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं. पम्पकिन्स जो होते हैं, कैरेट्स, दे आर लो इन कैलोरी, लेकिन जैसे मैंने कहा आप चाहें तो इसके साथ ज़रूर ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा मैंगो. नेक्स्ट इज अल्टीमेट चौको बनाना ओट स्मूदी. बहुत आसान है इसे बनाना. एक कप बनाना लिया है मैंने, आधा टेबल स्पून चिया सीड्स फॉर हेल्दी फैट, 2.5 टेबल स्पून ऑफ क्विक ओट्स, सिनेमन, थोड़ी सा जैगरी यानी गुड़ की शुगर ली है, रेगुलर मिल्क ले सकते हैं आप या प्लांट मिल्क ले सकते हैं, और आधा टेबल स्पून मैंने कोकोआ पाउडर लिया है. वैसे बनाना मीठा होता है लेकिन मैंने जैगरी शुगर ली है क्योंकि जो कोकोआ पाउडर होता है, डार्क चॉकलेट पाउडर भी आप ले सकते हैं, वो थोड़ा बिटर होता है, तो उसे बैलेंस करने के लिए मैंने लिया है. सब चीज़ों को हम अपने ब्लेंडर में ऐड कर देंगे और इसे हम ब्लेंड कर देंगे. और जब भी मैं कोई स्मूदी की रेसिपी शेयर करती हूँ, मुझे बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती है लिंक शेयर करूँ, यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इसे ब्लेंड कर देंगे हम. और फिर हमारी हेल्दी स्मूदी तैयार हो गई है. सिनेमन जो है यहाँ पर हेल्दी डाइजेशन का काम करेगा क्योंकि बनाना और मिल्क का कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आपके स्टमक के लिए हैवी हो सकता है. तो अगर डाइजेस्टिव कोई प्रॉब्लम है तो आप सिनेमन ऐड कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप सौंफ का पाउडर या फिर आप हरी इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं. बीटरूट और कैरेट स्मूदी, एक चौथाई हमने बनाना लिया है, आधा टेबल स्पून सोक बेजल सीड्स लिए हैं, आधा कप हमने स्टीम कैरेट लिया है, गाजर, यानी कि यहाँ पर प्लांट बेस्ड मिल्क यूज़ करना है आपको, रेगुलर मिल्क यानी डेयरी मिल्क यूज़ नहीं करना है. मैंने यहाँ सोया मिल्क यूज़ किया है और थोड़ा सा बीटरूट मैंने स्टीम करके ऐड किया है, यानी स्टीम किया है यहाँ पे कैरेट को और बीटरूट को और प्लांट मिल्क लिया है. तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं. रेगुलर डेयरी मिल्क आपको ऐड नहीं करना है. आप चाहें तो कोकोनट वाटर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अगर आपको कोई प्लांट बेस्ड नहीं मिला मिल्क. लेकिन मैंने रेसिपी हर प्लांट बेस्ड मिल्क की शेयर की हुई, चाहे वो कोकोनट मिल्क हो, आलमंड मिल्क हो, यहाँ तक कि पीनट मिल्क, ओट मिल्क की भी रेसिपी शेयर की हुई है. सभी इंग्रीडियंट्स को हम ऐड कर देंगे हमारे ब्लेंडर में और हम इसे ब्लेंड कर देंगे. तो राइट फूड कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्मूदीज हेल्दी होती हैं, लेकिन अगर उनका फूड कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है तो आपके लिए अनहेल्दी हो सकती हैं. दे आर वेरी न्यूट्रिशियस क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको स्मूदीज से कि आप बहुत सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करें. जैसे मैंने यहाँ ऊपर बेजल ऐड किया है. अल्टीमेट ग्रीन ब्रेकफास्ट स्मूदी, काफ़ी फिलिंग है ये, काफ़ी हेल्दी तो है ही साथ ही फिलिंग है. पर एक कप खीरा, ये आधा खीरा है, एक कीवी ली है, 2 स्प्रिग्स ऑफ मिंट ली हैं, पुदीना यानी कि आधा टेबल स्पून चिया सीड्स, एक कप घर का बना हुआ दही, एक टेबल स्पून मैंने बार्ले ग्रास पाउडर लिया है, बहुत हेल्दी होता है, इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उस पर वीडियो मैंने शेयर किया हुआ था, और 150 ml कोकोनट वाटर लिया है मैंने.
कई लोग दूध के साथ दही मिलाकर स्मूदी बनाते हैं विच इज़ नॉट हेल्दी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. सो अगर आपको कुछ लिक्विड ऐड करना है यू कैन ऐड वाटर. यहाँ पे मैं कोकोनट वाटर ऐड कर रही हूँ बट डू नॉट ऐड मिल्क इन योर स्मूदीज जिसमें आप दही या योगर्ट का इस्तेमाल करें. तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अगर आपको यहाँ पर कीवी ना मिले तब भी चलेगा, आप सिर्फ क्यूकम्बर से भी ये रेसिपी बना सकते हैं या फिर आप इसमें भी पम्पकिन ऐड कर सकते हैं. स्क्वैश जो होता है जो ग्रीन थोड़ा सा दिखने में होता है वो ऐड कर सकते हैं, काफ़ी हेल्दी रहेगा और टेस्ट भी बहुत मैटर करता है. कई लोग अपनी रेसिपीज़ में स्मूदी में पार्सले यूज़ करते हैं या फिर कोरिएंडर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो टेस्ट उतना अच्छा नहीं करता है. सो मेक श्योर कि आपकी स्मूदीज टेस्ट अच्छा करें ताकि आप उसे इंजॉय करें और आपकी बॉडी उसके न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर सकें उसके ज़रिए. सो हमारी हेल्दी अल्टीमेट ग्रीन स्मूदी तैयार हो गई है. नेक्स्ट एक और ग्रीन स्मूदी है लेकिन ये है डीटॉक्स स्मूदी. तो बहुत ही लाइट होगी ये और जब मैं इसे लेती हूँ यूजुअली कभी कभी अकेला भी लेती हूँ पर मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ऐड कर लेती हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट दैट हैवी. तो ककड़ी मैंने ली है, आधा ककड़ी ली है, आधी क्यूकम्बर, एक चौथाई पियर लिया है या एप्पल या फिर आप इसके अलावा कीवी यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं. दो स्प्रिग्स ऑफ मिंट लिया है, कोकोनट वाटर लिया है, मोरिंगा का पाउडर लिया है, पिंक सॉल्ट, पम्पकिन, एक मिक्सचर है जो मैंने बनाकर रखा है और एक टेबलस्पून ही बार्ले ग्रास का पाउडर लिया है. बार्ले ग्रास की तासीर ठंडी होती है, बहुत उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू है. जिन भी फीमेल्स को बोन्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उनके लिए काफ़ी अच्छा है. कैलोरीज इस रेसिपी में बहुत कम है. सब चीज़ों को ब्लेंडर में डालिए और इसे ब्लेंड कर दीजिए और ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है. अगर आपकी स्मूदीज में लम्ब्स होंगे तो ऑब्वियसली कोई उसे पसंद नहीं करेगा. लम्ब्स वाली स्मूदी किसे अच्छी नहीं लगती, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं. सो मेक श्योर दैट यू ब्लेंड योर स्मूदीज रियली वेल. उनका टेक्स्चर काफ़ी अच्छा होना चाहिए फॉर यू टू इन्जॉय. स्मूदीज आर वेरी हेल्दी लेकिन डेली बेसिस पे उसे लेना चाहिए कि नहीं वो एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं आगे कभी फ्यूचर में डिस्कस करना चाहूँगी. सो ये हमारी हेल्दी मॉर्निंग की डिटॉक्स स्मूदी बनकर तैयार हो गई है. ये मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं ये ड्रिंक करती हूँ इन माय लास्ट वीडियो व्हाट आई ईट इन अ डे. सो ये थी वो ग्रीन स्मूदी जिसे मैंने ब्रेकफास्ट के साथ एंजॉय किया था लेकिन कई बार ऐसे होता है कि मैं सिर्फ इसे अकेले लेना पसंद करती हूँ. स्पेशली अगर मैंने कुछ लास्ट डे हैवी खाया था एंड आई एम नॉट इन अ मूड टू हैव एनीथिंग हैवी और एनीथिंग दैट हैज़ ग्रेन इन इट नेक्स्ट डे. ये नेक्स्ट जो स्मूदी है इसके विजुअल्स मुझसे डिलीट हो गए तो आई एम सो सॉरी मैं इसको दिखा नहीं पाऊंगी लेकिन ये बहुत ही हेल्दी स्मूदी है. कैरेट स्टीम की हुई मैंने एक उसमें डाली थी, थोड़ा सा मैंगो डाला था आधा कप, रेगुलर प्लांट बेस्ड कोई भी आप मिल्क ले सकते हैं, पिंच ऑफ टर्मरिक, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, दोनों को कॉम्बाइन करना बहुत ज़रूरी है टर्मरिक को और पेपर को बिकॉज दोनों मिल के ही सही कॉम्बिनेशन बनता है. उससे टर्मरिक यानी हल्दी की अब्जॉर्प्शन पावर आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है. इसके अलावा आप चिया सीड्स और बेजल सीड्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं इस रेसिपी में और प्योर हनी तभी डालिएगा जब आपके मैंगो ज़्यादा स्वीट ना हो. अगर आपके मैंगो स्वीट है जो आपने डाला है तो इसमें हनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली स्वीट हो जाएगा. अदरवाइज आप एक टीस्पून हनी ऐड कर सकते हैं अगर आपका मैंगो सार है यानी वो खट्टा निकला है. तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा. आई एम सो सॉरी इसके विजुअल्स मुझसे डिलीट हो गए एंड वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मैं इसे अपलोड करने वाली थी, एक्सीडेंटली वो डिलीट हो गए. कीजिएगा. एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, इंस्टाग्राम पर हूँ मैं, काफ़ी लोग उसका लिंक मांगते हैं तो मैं शेयर कर दूँगी लिंक आपके साथ. प्लीज़ फॉलो मी देयर क्योंकि वहाँ पर भी मैं कभी कभी अच्छे कुछ अपडेट्स लेकर आती हूँ. और अगर आपने ये वीडियो देखा है तो इसका ग्रैब या फिर इसका शॉट लेकर भी आप वहाँ पर डाल सकते हैं एंड यू कैन टैग अस दैट इज़ @foodfitness एंड फन, नॉट एंड फन बट एंड फन. मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज़ अ हाई फाइबर स्मूदी. फाइबर जो होता है वो एक स्मूदी का इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होना चाहिए बिकॉज स्मूदी जो है आपने सब कुछ ब्लेंड कर दिया है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाई चला जाता है उसकी वजह से. सो इफ़ योर स्मूदी हैज़ इनफ फाइबर तो आपको फिल रखेगा वो. यहाँ पर मैं कोकोनट मिल्क के बजाय कोकोनट फ्रेश ले रही हूँ और इसका मिल्क बना रही हूँ. एक मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी, मैंने यहाँ पर इसे स्ट्रेन नहीं किया और थोड़ा थिक बनाया है बट आई सजेस्ट कि आप अगर नहीं चाहते कि ग्रैनुल्स आपके मुंह में आए तो आप इसे कर सकते हैं स्ट्रेन और दूध अलग करके जो उसका रेसिड्यू बचेगा उसे आप आटे में या कहीं यूज़ कर सकते हैं. बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे दैट इज़ पोमोग्रेनेट यानी अनार,
ओट्स मैंने ऐड किया है, चिया सीड्स, हनी एंड वाटर, अगेन प्लेन वाटर। इन सभी चीज़ों को हम ब्लेंड कर देंगे अच्छी तरह से। हाई फाइबर स्मूदी है, ओट्स के अंदर फाइबर होता है, पोमोग्रेनेट्स मैंने एज इट इज़ यूज़ किए हैं सीड्स के साथ, इसके अंदर नारियल है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फाइबर में हाई है। लेकिन एज आई सेड, अगर आपको ज़्यादा फाइबर नहीं पसंद है, आपको वो बार बार मुंह में जो आएगा वो अच्छा नहीं लगता है, देन यू कैन स्ट्रेन योर कोकोनट मिल्क और फिर उसके बाद आप ये स्मूदी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हाई प्रोटीन स्मूदी, ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है लेकिन इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। टोफू का टेस्ट यानी सोया पनीर का टेस्ट सबको अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए हमने काफ़ी चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं। ये हैं ओट्स, लेकिन आप इसमें पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोकोआ पाउडर है, मैंने कहा टेस्ट को हम मास्क करने के लिए यानी कम करने के लिए, सोया का जो बहुत ही पिक्यूलियर टेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। दालचीनी है, आप चाहे तो इसके अंदर हरी इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। ये वेनिला एक्सट्रैक्ट है, प्योर वेनिला का एसेंस, और फिर चिया सीड्स एंड देन हनी। सो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें टोफू वैसे आमतौर पर पसंद नहीं है, तो वो ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं टू हेल्प इम्प्रूव द टेस्ट। अदरवाइज आप इसके अंदर पनीर ऐड कर सकते हैं। इट्स नेचुरल हाई प्रोटीन स्मूदी, मैंने कोई इसके अंदर पाउडर ऐड नहीं किया है क्योंकि काफ़ी लोग फिर मुझसे पूछते हैं कि हम कहाँ से लें, बट आप चाहें तो जीवा का पाउडर यूज़ कर सकते हैं विच इज़ अ प्लांट बेस प्रोटीन पाउडर। सो ये हमारी एक और हेल्दी स्मूदी बनकर तैयार हो गई है। आई होप यू इन्जॉयड वॉचिंग इट और अब इसे जल्द से जल्द ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे हम कोई नया वीडियो डालें उसका अपडेट आपके पास फटाफट पहुँच जाए। I'll be back very soon. Stay healthy, stay fit. Bye-bye.